सोनिया और मरियम के दरमियान में स्यापे पड़ गए ने कट्टे खुल गए। देखें विद प्रूफ। हाय गाइस, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम। आई होप एवरीवन हैप्पी हेल्दी विद योर फैमिली। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग यू पर्सन माय होम ब्रदर सिस्टर गर्ल बॉय एंड एवरीवन। थैंक यू सो मच बाटा माय हार्ट माय ब्यूटीफुल जी टू फैमिली। चक दे पट्टे नपते किल्ली ठोको ताली, बहुत सी चीज़ें जो आप लोगों के साथ शेयर करनी है। सबसे पहले आप ये आवाज़ सुन ले, ये आवाज़ किसकी है, कौन जो है, किसके साथ क्या बात कर रहा है, मे बी आप लोग अंडरस्टैंड हो सके। गाइस, इसमें बहुत सी बातें समझने वाले समझ गए होंगे। पहले तो गोंचू कह दिया, फिर चिकट, फिर 500 दिए, फिर इस बहुत सारी इन्होंने बातें इस रिकॉर्डिंग में है। ये हमारी दूसरी साइड की जो थी उन्होंने लगाई थी और मुझ तक इसने भेजी कि जैकिया सिस्टर यहाँ पे बहुत से लोगों को इस चीज़ का नहीं मालूम, तो आप ये ज़रूर शेयर करें, ज़रूर बताएं। ये वो बंदी है जिनके साथ इन्होंने खुद जो है ये बात शेयर की थी और उसके बाद इन्होंने कहा कि मैंने तो किसी के साथ शेयर नहीं की। हालाँकि ये वो बंदी है जिन्होंने ये रिकॉर्डिंग मैं जिस बंदी को दी है उसने अपने चैनल पर भी लगाई है, अपने चैनल पर लगाई है। और इन पैसों को लेकर ये बंदी ने जो है मतलब अब जो वैटी पे जो कुछ भी हो रहा है आप लोगों के सामने के वैटी के ऊपर क्या हो रहा है, लेकिन सारा टारगेट मेन मेरा जो आपको ये सुनाने का था, सारा मुद्दा हमारी प्यारी जो बहन है सोनिया उसके ऊपर डाला जा रहा है। जहाँ पे आज सितारा ने वीडियो भी डाली और उसने भी अपनी वीडियो में ये बोला, उसने भी अपनी वीडियो में बोला, उनका भी यही कहना था कि मरियम को भड़काया जा रहा है, मरियम को ये वो। और उसके बाद हालांकि सोनिया ने किसी को नहीं भड़का रही, वो एक हक सच की बात करती है, अपना पॉइंट रखती है एंड दैट्स इट। उसको जहां सही लगता है वो बोलती है, जैसे मैं हूं, मुझे जहां सही लगता है, जैसे मुझे ये लगा कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए थी क्योंकि मैं हर एक के ऊपर बात करती हूँ, इसमें ना तो डर है ना खौफ है, और आपको सुना दिया। ये सभा थी जो भी थी जिसके साथ इन लोगों ने ये बात की है, जो कुछ भी हो रहा है उधर सितारा का मजाक भी उड़ाया जा रहा है, जहाँ पे ये अपने हस्बैंड, इनके हस्बैंड बल्कि इनको उनके बारे में जो कुछ भी बोल रहे हैं आप लोग खुद सुन लें, मुझे बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ सुनकर मैं भी चूंगी। तो फिर क्यों सोनिया को टारगेट किया जा रहा है कि सोनिया की लाइन में ये बात हुई, ये बात हुई, ये बात हुई, हालांकि इन्होंने अपने मुंह से खुद इस बंदी को कहा और ये भी कहा, अगर आप शुरू में दोबारा से इस रिकॉर्डिंग को सुने, इन्होंने कहा ये मैं सिर्फ तुम्हें बता रही हूं और किसी को इस चीज का नहीं मालूम। इसीलिए उस दिन लाइव, फिर अभी जब मरियम की लाइव हुई उसने 3 घंटे सितारा से बात की, पर उस चीज के बारे में किसी को भी बैठी पे, खासतौर पर सोनिया
जो इनके लिए स्टैंड लेती है, इनके लिए लड़ती है, झगड़ती है, गालियां बर्दाश्त करती है लोगों देखिए, अगर ये खुद अपने मुंह से सबको बातें बता रही हैं, ये सारा से बात कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, और सोनिया से हाइड किया जा रहा है, उनको बताना चाहिए था जब सोनिया की कल लाइव हुई है, ये वहां पर आई हैं, और उसके बाद उस टाइम भी नहीं सोनिया को बताया गया कि इनकी 3 घंटे बात हुई है। क्या 3 घंटे बात हुई है? इनकी सुलह सफाई हुई है, 3 घंटे बात हुई है, सब कुछ। और इससे पहले जो मरियम ने इससे पहले लाइव की थी जिसमें सारा आई थी, उसमें भी उसने कहा था कि जी मेरी और मरियम की बात होती रहती है। और इससे पहले जिस लाइव में तारा आई थी, उस तारा ने भी उसमें कहा था कि मेरी तो मरियम की बात तो होती रहती है, हम लोग हर बात करते रहते हैं, लेकिन ये चीज यहां पर वैटी में किसी को नहीं मालूम। लेकिन जो आज लाइव हुई है उसके अंदर बोला जाता है 3 घंटे बात हुई है, माफी तलाफी हुई है, लेकिन मरियम इसलिए गुस्से में थी कि माफी तलाफी होने के बाद तारा ने दोबारा से वीडियो क्यों डाली, क्यों उन्होंने टोंटबाजी दोबारा की जब बात खत्म हो चुकी थी। मरियम को इस चीज का गुस्सा था जो उन्होंने लाइव की। एक और बात मैं बताती जाऊं, अगर सितारा वीडियो ना डालती तो फिर तो ये बात दबी रहती कि मरियम की और सितारा की 3 घंटे बात हुई है आपस में, और इनकी आपस में जो कुछ भी था, सुलह सफाई भी होगी, सॉरी वोरी भी होगी, जो मरियम ने अपनी लाइफ में खुद बोला, आप लोग खुद सुन सकते हैं। बात नहीं है, आप लोग अगर नहीं समझ सकते हो, आप लोग अगर सिर्फ दिमाग के ये जो कमेंट नीचे कर रहे थे उन पर गुस्सा कर रहे हो और अंधे होना चाहते हो तो हो जाओ, मेरी तरफ से बिल्कुल खली वली आप जैसे लोगों के लिए, ठीक है? अगर मैं बैक पे बैठ के इज्जत से बात कर रही हूं, सोनिया के चाहने वाले थे जो मैसेज कर रहे थे, आप मुझे बताओ मुझे क्यों बोला गया कि आप पब्लिक में जाके वीडियो बनाओ? जब मैंने वीडियो बना ली तो फिर उस बात को आके क्लियर करो कि हाँ मरियम सिस्टर ने मुझे आवाज लगाई है और मरियम सिस्टर ने बोला कि हाँ जी आप आके बात ये वाली मेरी जेठाने ने किया, ये झूठ है, ये सच है, ये जो भी उनकी उनके वश में बात थी वो करती। ये क्यों, ये क्या बात हुई कि मुझे बोला कि आप करो और फिर खामोश, और जब मैंने लाइव लगाई तो उसमें भी बात कोई बात नहीं, और फिर जब मेरी कल आपसे 3 घंटे बात हो गई, 3 आवर्स आपकी ईच एंड एवरीथिंग मेरी बात खत्म हो गई, वाई फिर आज रिएक्शन, वाई फिर तो किसी ने कटहरे में आपको लाके नहीं रखा, मैंने तो फिर कल से कोई बात ही नहीं की, मैंने तो कोई उसके बाद आपका जिक्र भी नहीं किया आपकी, जब मेरी बल्कि खुदा की कसम अभी भी मैं आपको अपने स्टूडियो में जाके एक वीडियो दिखा सकती हूँ, मैंने एक वीडियो बनाई थी, अभी भी वो मेरे पास मौजूद है, अभी मैंने वो पब्लिक नहीं की थी, वो सुबह 8:30-9 बजे के करीब मैंने ये वीडियो बनाई और मेरे सर में दर्द हुआ, मुझे वॉमिटिंग स्टार्ट हुई, वो वीडियो बिल्कुल रेडी है थंबनेल के साथ सब कुछ के साथ, मुझे 10:30 या 11 बजे के करीब, ये 11:30 बजे मुझे अभी इतना याद नहीं है, 11:30 बजे के करीब जब कॉल आया, जब इसकी कॉल आई उसके ठीक आधे घंटे बाद जो है ना मैंने कह दिया कि चलो जो मैंने वीडियो बनाई है वो मैं पब्लिक नहीं करूंगी, उसमें मैंने बहुत सारी चीजें बोली हैं मगर मैं इसमें पब्लिक नहीं करूंगी क्योंकि मेरी और आपकी बात क्लियर होगी जब खलास अब मेरा आपका मामला खत्म हो गया है, आप और मेरी बात चीजें क्लियर हो गई हैं, तो वह अब मैं आपकी बात मैं क्या 2 नंबरी लगा के उसकी उसी टाइम में 11:30 बजे के करीब, शायद 11:15-11 बजे के करीब सितारा का फोन आया, मैं 12:30 बजे तक उसके बात करते करते जो है वो वीडियो को पब्लिक कर देती, मैं झूठ बोल देती, मैंने उसके एजेंट पे लगाया हुआ था, मैंने उस पे जो बातें की हुई थी तो वो मैं रख देती आप लोगों के सामने, मगर वही बात है ना कि जमीर नहीं मानता है, जब एक चीज एक बंदी आके मेरे से बात कर रही है, क्लियर कर रही है, सिस्टर बोल रही है, बहन बोल रही है, तो मैं क्यों फिर उसको पब्लिक करूं? मैं तो 2 नंबरी लगाती बीच में से फटाफट, क्या कितना टाइम लगता है, कितना टाइम लगता है वीडियो पब्लिक करने में, अपलोड हुई भी अभी भी अपलोड है वो, अभी भी वो अपलोड है, टाइम भी बता दूंगी कि कितने घंटे पहले ये अनलिस्टेड हुई भी है, डिटेल्स में जाके वो भी दिखा दूंगी ताकि आप लोगों को पता हो कि मैं कितनी सिंसियर हूं अपने रिश्तों को लेके,
ठीक है, अगर दो नंबरी लगाने होती ना, फटाफट वहां पे से मैं पब्लिक कर देती और बोलती ओहो सॉरी आपने तो यहाँ पे बात क्लियर कर दी, मगर मैं क्या करूं, वो तो मैंने स्केड्यूल की हुई थी, वो तो मैंने बता दी, मुझे नहीं पता था आपका फोन आना है, ये वो कर सकती थी, मगर मैं ना वो नहीं हूँ, चालाक इस तरह से अयार नहीं हूँ, शैतान नहीं हूँ, दिमाग नहीं लड़ाती हूँ। मैं कहती हूँ कि बात जब अब इसने आके बात स्टार्ट कर दी, बस बहनों बहनों वाला बात हो गया, खत्म हो गया, चीजें क्लियर हो गई, चलो माजरत इधर से भी माजरत उधर से भी माजरत, सितारा आने भी माजरत कर दी, उधर से मैंने भी कह दिया कि चलो मेरी बात कोई बुरी लगी तो सॉरी, बात खत्म, अब मैं चैप्टर क्लोज। अब देखिए जी, इन्होंने माजरत कर ली, सितारा ने भी माजरत कर ली, इन्हों भी माजरत, क्योंकि इनके पास भी बहुत कुछ पड़ा हुआ है सितारा का, इनको बहुत कुछ सितारा के बारे में पता है, सितारा को इनके बारे में बहुत कुछ पता है। और इससे पहले जो मैंने वॉइस सुनाई है, इन्होंने खुद ही उन बंदी से पहले बात की है और सारा मलबा ला के इन्होंने किसी और के ऊपर फेंक दिया है। लेकिन ये वो मेन चीज़ थी जो मुझे आप लोगों को सुनानी थी, बतानी थी कि वैटी पे जो है ना, मैं फिर वो बार बार कहती हूँ कि ओपन द आइज, आप किसी पे भी ट्रस्ट यकीन, आप किसी पे भी यकीन आप नहीं कर सकते, आपको नहीं मालूम किस टाइम पे कोई कौन आपको दगा दे जाएगा, आपसे बेवफाई कर जाएगा। यहाँ पे हर एक, मैंने पहले भी कहा, डॉलर कुत्ती चीज़ है, चैनल के लिए यहाँ पे सब बैठे हुए हैं, खाब छोटा चैनल हो, बड़ा चैनल हो, बड़ा यूट्यूबर हो, छोटा हो, कोई भी हो, सब डॉलर के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। सितारा इनका इस्तेमाल करिए, ये सितारा का इस्तेमाल करिए, इनको मालूम है, क्योंकि इन्होंने उनको सच्चे दिल से बहन कहा हुआ है, इनको मालूम है, इनके इनके पास जितने भी लोग हैं वो सितारा यासीन के, डोंट माइंड, जो एक सच है वो सच है, इनको मालूम है कि जब भी अगर सितारा के खिलाफ जाएंगे, इनके पास जितने भी लोग हैं इनको छोड़कर चले जाएंगे, इनके पास नहीं आएंगे। जैसे हम लोग अब हक सच की बात करते हैं ना, लोग हमें छोड़ के चले गए क्योंकि हम हक सच की बात कर रहे हैं। जारी बात है, जैसे इन लोगों का घर है, इनका माहौल है, जैसे इनको अभी पैसों की सख्त ज़रूरत है, इन्होंने दूर की सोची, और उसके अलावा इन्होंने उनको एक रिश्ता बनाया हुआ, लेकिन इस रिश्ते में एक और रिश्ता ये भूल गई, सोनिया, जिसे हम सब बहुत प्यार करते हैं, उनके साथ बेइंसाफी हुई है, लेकिन मैं बोलूँगी उसका दिल बहुत अच्छा है, कुछ दिन बाद वो फिर भूल जाएंगी, वो फिर स्टैंड लेंगी इनके लिए, फिर भूल जाएंगी। लेकिन यहाँ पे मरियम को अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए था, इन्होंने क्यों माफी मांगी, मरियम ने क्या बिगाड़ा था सितारा का, क्यों इन्होंने माफी मांगी, नुकसान तो सितारा ने किया ना, लाइवें तो इसलिए लगती रही, सोनिया की लाइव तो इसलिए लगती ना, सोनिया तो इनके लिए हक में आवाज उठाती रही कि इनके साथ बेइंसाफी हुई है, इनके साथ जो भी हुआ गलत हुआ, इनको पैसे क्यों नहीं दिए गए, मतलब सोनिया को क्या लगे, सोनिया को तो नहीं पैसे चाहिए ना, वो किसके लिए आवाज उठा रही थी, मरियम के लिए आवाज उठा रही थी, और मरियम ने जाकर 3 घंटे बात करके उनसे माफी तलाफी कर ली है। अब जो मरियम के चाहने वाले हैं अब सोनिया को ट्रोल कर रहे हैं, और जो सोनिया के चाहने वाले हैं वो मरियम को ट्रोल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई किसी का ट्रोल ना करे, ये एक गेम है, डॉलर की गेम है, चैनल की गेम है, व्यू की गेम है, यहाँ पे यही होता आया है, इससे पहले भी बोलती रहूंगी और होता रहेगा। आप यहाँ पे किसी पे भी यकीन नहीं कर सकते, कभी भी कोई भी आकर अपना असली फेस दिखा देगा, कुछ मीठा बनकर दिखाएगा, कुछ कड़वा बनकर दिखाएगा, कुछ गालियां देकर दिखा देगा, कुछ बदुआएं देकर दिखा देगा, पर दिखाएगा जरूर। यहां पे सितारा ने जब 3 घंटे से बात होगी, सुलह सफाई होगी, माफी तलाफी होगी, तो सितारा को वीडियो डालने की जरूरत ही नहीं थी। मरियम की उसके साथ बात हुई, कम से कम उसने वैटी पे किसी को नहीं बताया, सोनिया को जरूर बता देती, क्योंकि वो बंदी इसके लिए दिन रात बैठ के इसके लिए अच्छा सोचती है, इसके लिए दुआएं करती है, गाली ग्लोच बर्दाश्त करती है, लोग उसको ट्रोल करते, आज भी लाइव ही जहां पे उसको बैठकर लोग ट्रोल कर रहे थे, ये चीजें क्या मरियम नहीं देख रही, जैसे तो उन्हें हर एक चीज का मालूम होता है, मतलब शी इज स्मार्ट, शी इज इंटेलिजेंट, तभी तो उन्होंने ये कदम उठाया, 3 घंटे बाद की, सुलह सफाई की, माफी तलाफी की, फिर मेन मुद्दा, इन्होंने सेम वही हरकत की जो एक और बंदी ने की, ब्लैकमेलिंग की, जैसे सब लोग कह रहे हैं कि मरियम ने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे पास वीडियो है, सबूत है, मैं लगा दूंगी, जिस रात फिर इन्होंने लाइव में कहा कि मैंने एक वीडियो बना के रखी हुई थी, पब्लिक करनी थी, लेकिन इसका फोन आ गया और वो वीडियो वहां पर उन्होंने स्टॉप कर दी, उसको पब्लिक नहीं की, इसका मतलब था कि अगर वीडियो ना आती तो ये पब्लिक कर देती, इसका मतलब है कि इनकी डिमांड्स पूरी की गई हैं जिसकी वजह से इन्होंने पब्लिक नहीं की। तो ओपन द आईज, समझे यहाँ पे हो क्या रहा है,
आएंगे नेक्स्ट पॉइंट के साथ, रिव्यू के साथ। चेक, अल्लाह हाफिज एंड बाय गाइस।